तो नीरज चोपड़ा ने 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता और उसके बाद से उन पे छोटी मोटी बातें लिखी गई हैं, लेकिन एक तरह की जो ऑथेंटिक किताब है ये लिखी है और उस शख्स ने लिखी है जिनको मैं 20-30 साल से जानता हूँ, ये 40 साल से ज़्यादा वक्त से एथलेटिक्स कवर करते हैं, नॉरिस प्रीतम है और हम लोग काफ़ी सारा इनसे गाइडेंस लेते हैं। अनुरानी है, सबको इनको जानते हैं, ग्लैमर गर्ल, जैवलिन थ्रोअर, और इनकी भी कहानी संजीदगी से हम लोगों ने NDTV पे दिखाई। नसीम साहब को कम लोग जानते हैं, नसीम साहब पंचकुला में वन ऑफ द फर्स्ट कोचेज हैं जिन्होंने नीरज को ट्रेनिंग दी और हम सब नीरज के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, लेकिन इन शख्सियत से हम ये जानना चाहेंगे क्या अलग ये हमारे सामने लेके आ रहे हैं। और खासकर इस किताब में बहुत सारी कहानियाँ हैं जो आप दर्शकों को, पाठकों को, श्रोताओं को, सबको पढ़नी चाहिए। नॉरिस सर, एक कहानी बताइए, हम लोग बहुत सारी बातें नीरज के बारे में जानते हैं जो इस बुक में हो या इतर भी, हम लोग कई बार उनके घर भी गए, जो आपको लगता है कि दर्शकों को ये जो पाठक है उनको, जो रीडर्स हैं उनको अपील करेंगे। मेरे ख्याल नीरज ऐसी एक शख्सियत है जिसके लिए सब कुछ लिखा जा चुका है, मेरे ख्याल अब कुछ बचा नहीं है उसके ऊपर जो लिखा जाए, लेकिन एक जो खास बड़ी साधारण सी कहानी है जो बड़ी अच्छी वो ये है कि नीरज, जब मैंने लिखा है इसमें कि जब भी किसी बाहर ट्रिप पे जाते हैं, जैसे 8 दिन है या 10 दिन रहना है, तो रोज़ ट्रेनिंग के बाद या जब भी मौका मिलता है वो मॉल में या किसी बाहर की जर्मनी के, अमेरिका के जाते हैं और एक छोटी कोई चीज़ खरीद ली, जमा करते रहते हैं ढेर सारी, और उसको पैक करके रख लेता है वो, और जब घर आता है तो सारे जितने लोग हैं उनके जिनके लिए वो लीव होती है, एक एक करके बुला के अपने आप खोल खोल के देता है। ये शायद कहीं छपा नहीं है। जब अभी नीरज के चाचा जी एक गए थे किसी इंटरनेशनल, शायद बुडापेस्ट गए थे वो, और उन्होंने, नीरज ने बोला कि देखो सूटकेस भर के दिया, ये सामान है घर में देने का, और पैक करके बोला खोलना मत, खोलने को जब मैं आऊँगा। अब जब एशियन गेम्स के बाद वो लौट के गया, उसने वो खोल खोल के और घर के सारे बच्चों को, कजन्स को, अपनी बहन के बच्चों को, इधर उधर पड़ोसी जिसके लिए भी लाया था, उनको अपने हाथ से दी थी। बिल्कुल। और एक कहानी अनु आपसे जानना चाहेंगे, अनु की कहानी जो स्ट्रगल भरी है और अब सक्सेस आई है। अनु, आपको मैंने बहुत सारा स्ट्रगल भी करते हुए देखा है, ब्रॉन्ज मेडल से गोल्ड मेडल को कन्वर्ट नीरज के साथ, क्योंकि जैवलिन आप थ्रोअर हैं, क्या एक इंटरेक्शन रहा है जो आपको लगता है कि लोगों को, छोटे बच्चों को जाननी चाहिए? उसका यही है कि जैसे वो इतना अच्छा करता है तो उससे मैंने मतलब काफ़ी बार बात की है, मैं उसको पूछती रहती हूँ, मजाक करती रहती हूँ कि नीरज तेरी मतलब क्या राज है, तू इतना अच्छा कैसे करता है, मतलब मैं पूछती हूँ क्या खाया था तेरी माँ ने जब तू हुआ था, तो ऐसे मतलब क्वेश्चन पूछती रहती, तो वो बोलता है कि हाँ मेरी माँ ने तो खीर खाई थी उस टाइम पे तो जब मैं हुआ था, तो हाँ इसी तरह से उसका जो एक नेचर है वो ये है कि वो माइंड फ्री रहता है, वो कभी भी किसी चीज़ के लिए टेंशन नहीं लेता, मेडल आता ठीक है नहीं आता, तो उसका सिर्फ ये फोकस रहता है कि वो फ्री माइंड होकर बस अपना 100% ट्राई करता है, वो ना किसी जेलस भी नहीं करता, भी नहीं आते कभी प्रेशर में भी नहीं आते, तो हाँ ये है कि उसका बस अभी जैसे कि उसने ओलंपिक मेडल भी लिया है तो उसने लिया, फिर उसके बाद जो उसके नेक्स्ट कॉम्पिटिशन आते हैं वो उस पर फोकस करता है, बस वो ये है कि अपना जो जैवलिंग है उसको एंजॉय करता रहता है। बिल्कुल, एक बहुत ही प्रोसेस की बात बता रहे हैं नसीम साहब ये, और जिसको काफ़ी सारे प्लेयर्स को इस प्रोसेस को अपनाते हैं ताकि प्रेशर के बगैर, लेकिन जब नीरज पहली बार आपके पास आए, पहले मोनू के पास थे जयवीर के साथ, वो हमारे स्टूडियो आए हुए थे, उसके बाद जब आपके पास पहली बार आए और क्या कुछ आपको अलग दिखा कि वो मतलब एक चैम्पियन स्टेप है, आपको शुरू में अंदाज़ा था इसका? नीरज 2011 में मेरे पास आए थे, मोनू भी साथ में था उनके, और एक लड़का नरेंद्र वो भी इंटरनेशनल है, और उसके अलावा एक परमिंदर वो भी जैवलिन में इंटरनेशनल, तो मुझे एक तो ग्रुप मिला और मुझे भी सीखने का मौका मिला, और उसके बाद जब हम लोगों ने ट्रेनिंग शुरू की तो डे बाय डे हमें कुछ ना कुछ मिलता गया, और उसमें नीरज सबसे छोटा था और मतलब सबसे जल्दी वही पिक कर रहा था कि मुझे क्या करना है, तो ये भी मिला, और उसके अलावा एक एटमोसफेयर मिला उसको, पंचकुला में सिंथेटिक ट्रैक था, इक्विपमेंट भी मिला उसको, और हॉस्टल मिला उनको जिसमें वो रह सकते थे, तो पर नीरज ने तंग भी बहुत किया मुझे, एक तो वॉलीबॉल का बड़ा शौकीन है, रात को 2-2 बजे तक खेलते थे, दूसरा हॉस्टल में आपको पता है कि आप खाना नहीं बना सकते, तो हॉस्टल का वो खाना कम खाता था तो अपने कमरे में बनाते थे, तो मुझे रात को सुबह जाके मुझे भी डांट पड़ती थी, और मैं उनको हाँ पर डे कहता था भाई ये क्या किया, जबकि वो सुबह धो देते थे, मुझे पता था, तो नीरज की एक डाइट का भी प्लान शुरू से ही बहुत अच्छा था, और फिटनेस का राज भी उसका यही है कि वो जैवलिन के साथ साथ जो दूसरे ब्रॉड जंप वगैरह और वॉलीबॉल खेलना, बास्केटबॉल खेलना, वो रेगुलर इस तरह की ट्रेनिंग करता था। बिल्कुल। आप एक फाइनल चीज़ पूछेंगे, अगले साल पेरिस ओलंपिक से आपको लगता है एथलेटिक्स टीम, खासकर जैवलिन, एक से ज़्यादा मेडल लाएगी? देखो
आने वाले कल में बेहतर करने की तो हर एथलीट कोशिश करता है, पर नीरज, अन्नु और ये अपना जीना है, हाँ, तो ये कई एथलीट ऐसे हैं कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इनकी परफॉर्मेंस और अच्छी आएगी, क्योंकि ये बड़े मैच्योर एथलीट हो गए हैं। मेजर्ड आंसर देना, आपको लगता है एक से ज़्यादा मेडल आएगा एथलेटिक्स के लिए? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी इतनी मेहनत कर रहे हैं प्लेयर्स कि सब लोग चाहते हैं कि अब ओलंपिक में मेडल ले, तो हाँ ऑफकोर्स एक से ज़्यादा मेडल पक्का आएगा। सर फाइनल वर्ड आपसे, एक तो ये आपने किताब, क्योंकि मैं इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं शामिल था तो मैं थोड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ, आपको लगता है कि अभी जो हमारी टीम है, बहुत सारे मैं बहुत यंगस्टर्स को जानता हूँ जो नीरज से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, अलग अलग गेम्स के भी, डेकाथलन के तेजस्वी शंकर भी उनका नाम लेते हैं, आपको लगता है कि ये जो टीम है हमारा बेस्ट बेट होगा ओलंपिक्स में, पेरिस ओलंपिक्स, एथलेटिक्स के जरिए या स्पोर्ट्स के? देखिए, जैसे कि मैं पहले भी बोल रहा था कि ये कहना कि बेस्ट होगा पक्का, ये थोड़ा मुश्किल होता है, हजार चीजों, अब जैसे देखिए कि नहीं, परफॉर्मेंस वाइज, मैं मेडल वाइज, परफॉर्मेंस वाइज तो है ही, सब सबके सामने है, उसमें तो है ही नहीं, ये वो परफॉर्मेंसेज हैं जो कभी सोचा ही नहीं था किसी ने आज से पाँच सात साल पहले कि ये परफॉर्मेंस इंडिया में कर पाएंगे लोग, है ना, किसी ने सोचा था, लेकिन परफॉर्मेंस के साथ साथ लक का और जो जिसको डिवाइन इंटरवेंशन या भगवान का काम करते हैं वो बड़ा ज़रूरी है। अगर 2020 के गेम्स 2020 में हो जाते तो नीरज तो शायद ओलंपिक गेम्स जाते ही नहीं, वो तो चोट लगी हुई थी उसके, है ना, उसका कोई इसमें बुराई नहीं है, उस चोट लगी हुई थी, लगी हुई थी, उसमें मेहनत करी, लेकिन क्योंकि वो डिवाइन इंटरवेंशन थी, भगवान का उसमें हाथ था कि साहब वो 20 के गेम 21 में हो गए, और वो जो उसे डॉक्टर पार्टी वाला मिल गए जिन्होंने उसकी कोनी ठीक कर दी, और बाकी आपके सामने है सब, बाकी आपके सामने है, और बाकी बहुत सारा इस किताब में, तो आपसे गुजारिश होगी ये किताब पढ़े, किताब पढ़ने की वैसे भी लोगों को आदत कम हुई है, ऐसी किताबें पढ़े, कुछ किताबें अनु पे भी आएंगी, अनु बहुत शानदार प्रदर्शन कर रही हैं, और मैं लिखना चाहूँगा, लिखना भी चाहेंगे, और नॉरिस एथलेटिक्स के सबसे जानकार लोगों में से हैं फिलहाल, तो इस तरह की किताबें पढ़ें, और बहुत सारी कहानियां हैं जो आपको पेरिस ओलंपिक्स में और भी विस्तार से और बेहतर नज़रिए से देखने को मिलेंगी। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ विमल मोहन, NDTV इंडिया।